से जंग जारी है, लेकिन सच है कि अब ये जंग डरकर नहीं बल्कि लड़कर जीती जा रही है और ये जंग हम धीरे धीरे जीत रहे हैं। यानी पहले के मुकाबले कम लोग बीमार हो रहे हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, तो हम अब लड़ाई जीत रहे हैं, ये सरकार ने भी आंकड़ों से साफ कर दिया है। तो इस सब के बीच बंद पड़ी जगहें अब खुल रही हैं, इसमें बारी है स्कूल और सिनेमा हॉल की। मगर माता पिता के मन में अब भी सवाल है कि क्या बच्चों को इस सब के बीच स्कूल भेजें, पढ़ाई जरूरी या फिर बीमारी से बचना जरूरी, सेहत जरूरी, ये सबके मन में सवाल है, या फिर दोनों साथ साथ हो सकता है कि हम पढ़ने भी जाएं, स्कूल भी जाएं और सेहत का भी बचाव कर लें। वो तमाम इंतजाम होंगे जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत कहे गए हैं, उनका पालन होगा क्या, स्कूलों में उनका पालन होगा, ये तमाम सवाल के जवाब आप सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। डाउटनेट किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचे, क्रॉप कीजिए, सबमिट कीजिए, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा मात्र 5 सेकंड में, चाहे वह क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट, आईआईटी, जे का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा सॉल्यूशन। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से लेकर 12 तक लाइव क्लास हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही है, 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोरोना से लड़ाई जरूरी है पढ़ाई, शिक्षा एक बहुत अहम विषय है और बच्चे इस देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य, उनकी करियर से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। धीरे करके जब अनलॉक हो रहा है तो उसकी भी अनुमति एक प्रिकॉशंस के साथ सरकार ने दी है, उस अनुमति का पालन करते हुए सिनेमा घर चलाए जाने चाहिए। मौज मस्ती में भूले नहीं महामारी, कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसको फॉलो करें और उचित दूरी बना के बच्चों को बैठाएं। अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है तो ना बुलाएं बच्चों को, जितनी बच्चों की व्यवस्था है उतने बच्चों को स्कूल के बुलाएंगे। शर्तों के साथ कितने तैयार हैं हम? कोई स्कूल यदि गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, एक्शन लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि स्कूल बाकायदा शासन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करेगा, और भगवान न करे अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव होता है और उसके लिए यदि विद्यालय प्रबंधन तंत्र को दोषी ठहराया जाएगा, तो ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस बात को मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ। स्क्रीन स्कूल अनलॉक, हमारी तैयारी लॉक। स्कूल वाले जो निजी प्रबंधन के हाथ की कठपुतली बनकर पैसा कमाने के लिए जो निजी विद्यालय खोलने का जो उपक्रम कर रहे हैं, इस हम अपने बच्चों को उनकी इस आहुति में जलने दें? अपने बच्चों को कतई बहुत गलत है। स्कूल वाले हमारे बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी लें कि हमारे बच्चों को ना कोरोना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, इस शर्त के साथ मैं स्कूल में अपने बच्चे को भेजूंगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल कोई लायबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया है कि फॉर्मेट में कंसेंट दीजिए तो बच्चों को स्कूल भेजिए।